हाँ, कल जो कल आपने सुना था ना, मैं रीड कर रही थी। जो हाँ भी है, मैं ना सारों से अच्छी थी उस क्लास में, मेरी क्लास में। भाई आपने ना अभी तक नहीं सुना वो क्या कह रही थी जो मेरी क्लास के। टीचर हाँ पता है कोई क्या कहती है ना, ज्यादा से ज्यादा ने कहा था मेरा माइक नहीं चल रहा, क्योंकि वो ना पढ़े और दूसरी फिर दूसरा माइक खोल के बोल रहा ही नहीं। हाँ तो फिर कब होना है? एक हफ्ता है, हमने रीडिंग करनी है तदरीब। फिर जो टीचर है ना, कोई लेके आएगी, क्या नाम है, कुछ हम पढ़ें रीडिंग करें तो देखती है कौन सा है। तो आपको लगता है कि आप ही जीतोगी बस? हाँ और किसी को नहीं रीडिंग हाँ आती? सही, चलो हाँ पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ ये नंबर वन पे। आ डॉक्टर डॉक्टर हेल्प सिक्स पॉप सिक्स नहीं है, सिक 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 का मतलब होता है बीमार, पीपल पीपल एंड वर्क्स इन हॉस्पिटल। आगे पॉयलट इधर माह कर रही है अपनी इंग्लिश टेस्ट की तैयारी, क्योंकि अभी सर्दियों की छुट्टियां हुई हैं और माह बैठ के तैयारी कर रही है, लेकिन तूर उसे कुछ पढ़ने नहीं दे रहा। तो माह फिर मुझे बता रही थी कि हमारा टेस्ट है, मुझे नहीं पहले पता था, अभी उसने मुझे बताया। फिर तो मैंने फिर और खुशबू बड़ा हो रही थी, तो मैंने ये रीडिंग इसीलिए आपको सुनाई है कि आप देखिए मुझे इतना खुश हो रही है उतनी उसे खुशी वाली बात है नहीं, उसे इतनी अच्छी रीडिंग नहीं आती है और राइटिंग भी उसकी इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है ये बात कि मैं उसे कह रही हूँ कि आपकी जो रीडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो कहती है कि क्लास में सारी लड़कियों से मैं ही अच्छी रीडिंग करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, शायद वो मान ले इस बात को। आप कमेंट करके बताएं कि इसकी इंग्लिश की रीडिंग कैसी है। सॉक्स नहीं उतारनी ना, सूरा आप प्यारे बच्चे हो, छोने छोने हो आप, नून है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब का ईमान सलामत रखे। तो मैं इधर बनाने लगी हूँ जैम, कॉकटेल जैम है, और मेरे पास फ्रोजन फ्रूट पड़े हुए थे घर में, मैंने इकट्ठे किए हुए थे ऐसे कहने। ये खरबूजा है, मैंने खाने के लिए रखा हुआ था लेकिन अब खाया नहीं गया और मौसम चेंज हो गया, सर्दियां आ गई हैं, तो मैंने कहा इसको पड़ा रहे अगले साल तक, उससे अच्छा है या फेंक देने से अच्छा है कि मैं इसका जैम बना लेती हूँ। तो ये दो पैक मेरे पास पड़े हुए हैं तरबूजे के, और ये खरबूजा है। असल में ये मीठा नहीं निकला था तो मैंने इसे काट के फ्रीज कर लिया था जैम के इरादे से ही। और ये अंगूर है, ये बहुत मीठा था, बिल्कुल अच्छा था, लेकिन बच्चे खा नहीं रहे थे तो इसको मैंने ग्राइंड करके पीस करके रख लिया, पीस बना के। ये थोड़ा सा ये जो येलो है ये मैंगो है, दो स्ट्रॉबेरियां हैं और थोड़े से ये ग्रेप्स के पीस हैं। ये असल में ये थोड़ा थोड़ा फ्रूट बच जाता है जब एंड पे हो जाते तो बच्चे खाते नहीं है, या कभी मेरा भी दिल नहीं होता तो वो फिर मैं ऊपर इसलिए रख देती थी कि कभी कभी मैंने तूर को मिल्क शेक बना देती हूँ, या सुबह के टाइम उसे वैसे किसी चीज़ में ऐड करके उसे फ्रूट खिला देती थी, गर्मियाँ होती थी तो चल जाता था ऐसे। अब वो नहीं खाई गई तो इसलिए ये जो है ये नाशपाती है, दो नाशपतियाँ हैं ये भी मैंने देखे छोटे छोटे पीस किए हुए थे तूर को खिलाने के लिए ही, कि कभी मूड हुआ तो निकाल के ग्राइंड करके उसे खिला दूंगी, लेकिन अब वेदर चेंज हो गया तो इसलिए मैंने यही सोचा कि इनको भी मैं जैम में डाल देती हूँ। ये अंगूर है, इसको मैंने ग्राइंड करके ही रखा हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा ग्राइंड किया था कि मैं इसके छिलके जो है ना छान लूंगी, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने इसको छाना नहीं, मैंने कहा ऐसे ही बनेगा सही, क्योंकि छिलके बिल्कुल फील ही नहीं हो रहे थे। और ये जो वो थोड़े थोड़े पीस बचे हुए थे ये वो सब हैं, ग्राइंड नहीं हो रहे थे, मैं पानी नहीं डालना चाह रही थी किसी भी फ्रूट में, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। और ये जूस पड़ा हुआ था, ऑरेंज जूस है ये, बाजार से मार्केट से जो मिलता है, और ये मीठा नहीं था और बच्चों ने भी इसको यूज नहीं किया था, उन्होंने चेक किया था और उन्होंने कहा मीठा नहीं है तो उन्होंने फेंक देना था, मैंने भी इसे फ्रीज कर दिया। फिर मैंने कहा जब कभी जैम बनेगा उसमें ऐड कर दूंगी, तो पानी की जगह मैंने उसे ऐड कर दिया है।
अब मैं हरबूजे को करने लगी हूँ ग्रैंड। इधर तूर देखे वो मेरी जान नहीं छोड़ता है, मैंने जो काम करने होते हैं किचन में भी बेचारा मेरे पीछे पीछे आ जाता है, सब बच्चे ही ऐसे होते हैं। और इधर रो रहा था वो, कह रहा है कि मुझे पकड़ लें पकड़ लें, और मैंने कहा मैं थोड़ा काम कर लूं, तो इसलिए फिर उसे ऐसी चीज़ें पकड़ा रही थी कि वो खेलता रहे और मैं जल्दी से अपना काम कर लूं। और ये जूस मैंने डाला है, इसमें शुगर नहीं थी, ये इसमें ऑरेंज का फुल फ्लेवर है और थोड़ा कड़वा कड़वा भी, जैसे ऑरेंज का होता है ना उस तरह का लग रहा था, खट्टा खट्टा। तो मैंने कहा चले पानी की जगह मैं इसको डाल लेती हूँ, तो ग्रैंड हो गया ये, पानी नहीं बिल्कुल डालना ही नहीं चाहिए क्योंकि फिर उसको ड्राई करने में बड़ा टाइम लग जाता है। वो अब पहले अंगूर मैंने डाला है, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये खरबूजा, और उसके बाद मैं इसमें तरबूजा ऐड करती हूँ। और ये जो तरबूजे में आपको पानी नजर आ रहा है, ये पानी जो जब उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे किया है ना, तो खुद ही इसमें से ये पानी निकल आया है, मैंने इसमें कोई इजाफी पानी नहीं ऐड किया। इसको मैं ज़रूर छानूंगी क्योंकि इसके अंदर बीज है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसको छानना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको छान के डाला है। बाकी मैंने किसी भी फ्रूट का कोई छिलका नहीं उतारा, नाशपाती भी छिलके के साथ ही मैंने काट के रखी हुई थी, सेब भी 2-3 पीस थे वो छिलके के साथ ही थे। तो है ये असल में फुल कॉकटेल ही हो गया है ये, एक दो पीस इसमें केले का भी था, अंगूर भी है, स्ट्रॉबेरी भी है और नाशपाती भी है। अनार भी मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन वो फिर मैंने नहीं डाला, मैंने कहा वो लंबा काम हो जाएगा, छानने की वजह से मैंने नहीं उसको ऐड किया। तो ये देखिए ये इसके इतने ज़्यादा बीज थे तो इसलिए मैंने बस इसको छाना है, बाकी किसी को भी नहीं छाना। फ्रूट जब उसको इसने पकना है तो वो जो इसके थोड़े थोड़े पीस होते हैं ना वो भी अच्छे से बीच में मिक्स हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो अब ये इसमें जो तरबूजा है वो ऐड कर लूँगी मैं, आग मैंने चला दी हुई है, साथ में साथ साथ मैं ये ग्राइंड कर रही हूँ, साथ साथ वो पकना शुरू हो गया हुआ है। तो सिंपल ये है कि जितने भी फ्रूट्स आपने ऐड करने हैं ना सारे आप उनको ग्राइंड करें और बीच में ऐड कर लें, और उनको अच्छी तरह पकाना है जब तक कि वो थिक हो जाए। अब ये ऐसे लग रहे हैं जैसे चॉकलेट केक होता है। कुछ लोग जैम में ऐड करते हैं दालचीनी या इलायची पाउडर या इलायची, मुझे उनका फ्लेवर नहीं पसंद तो मैं ऐड नहीं कर रही, अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालें। वैसे जैम में ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं होती हैं, और सिरका इसमें ज़रूर डालें क्योंकि उससे इसकी लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है। फिर मुझे अचानक से याद आया फ्रिज में थोड़े से ऑरेंज भी पड़े हैं और सेब भी। अब सेब मैंने नहीं इसलिए डाला, मेरा मूड नहीं था ग्राइंड करने का क्योंकि वो सारा काम हो गया हुआ था और भांडे पहले ही इतने धोने वाले हो गए थे कि मैं थक गई थी। तो फिर ये थोड़े से ऑरेंज थे, ये असल में बहुत हार्ड थे अंदर से, ड्राई ड्राई रूखे रूखे से, एक महीने से ये फ्रिज में पड़े हुए हैं और बच्चे नहीं खा रहे थे, कोई इनका अच्छा टेस्ट भी नहीं था, खट्टे खट्टे थे तो उनको अच्छे नहीं लगे हैं। ये हैं मिस्र के हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, पाकिस्तानी ऑरेंज नहीं है ये। तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं इसको पील निकाल के अच्छी तरह, पहले मैंने जूसर ढूंढा जो हैंड से ही उसका जूस निकालते हैं ना, तो वो मुझे मिला नहीं, अब मुझे जल्दी थी तो मैंने फिर चम्मच से उसको जल्दी जल्दी निकाल के तो एक दो दफ़ा उसको मिक्सी में चला दिया है, तो उसके अगर थोड़े पीस वगैरह जो हैं वो ग्राइंड हो जाए तो थोड़ा सा ही जूस निकला था, लेकिन मैंने कहा चलें ये भी कुछ तो फ्लेवर देगा ना अच्छा, या फिर वैसे ऑरेंज वो वेस्ट हो जाने थे, वो खा ही नहीं रहे थे बच्चे। अब मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें चीनी, और चीनी इसमें ऐड करने का यही हिसाब है कि जितना आपके पास फ्रूट का पल्प है ना उससे आधी आपने चीनी डालनी है, यानी कि अगर आपके पास एक गिलास फ्रूट का पल्प है तो उसमें आधा गिलास आपने चीनी ऐड करनी है। लेकिन मैं कम ऐड कर रही हूँ वो इसलिए कि मेरे जो मेरे पास फ्रूट थे उनमें वाटर की मिकदार ज़्यादा थी, तो मैंने हिसाब रखा है कि मेरे पास 2 जग फ्रूट के हैं और 1 जग मैंने चीनी का ऐड किया है, हालांकि थे 3 जग, तो 1 जग मैंने पानी में माइनस कर दिया कि एक जग मैं समझ रही हूँ कि उसमें पानी की मिकदार है और बाकी 2 जग मेरे पास फ्रूट के थे। क्योंकि मैं जैम थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए पकाने में उसको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग गया, तकरीबन 1 घंटा लग गया था इसको रेडी होने में, और मगरिब की अजान भी होने वाली है तो मुझे भूख लग गई थी, मैं चटनी के साथ रोटी खा रही हूँ, साथ में मैंने एक टमाटर काटा है उसके ऊपर जैतून का तेल डाला है और वो खा लिया है। अभी तकरीबन ये रेडी हो गया है, तो इसमें इस स्टेज पर आके इसमें 3 चम्मच सिरके के ऐड करने हैं,
और साथ में मैंने दो लेमन ऐड किए हैं और साथ ही मैं चेक कर रही हूँ कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। अभी नहीं हुआ, ये अभी पतला है, मतलब स्पीड से ये नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये थिक हो जाएगा तो इतनी जल्दी ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, तब ये रेडी होगा। इसकी रेडी होने की यही निशानी है। और लेमन और सिरका डालने का मतलब ये है, ये इसलिए ऐड करना होता है क्योंकि इसमें क्रिस्टल ना बने, वो जो चीनी जम जाती है बाद में वो ना हो। तो लेमन डालने से ये होता है कि वो चीनी फिर आपकी जमेगी नहीं, और ये 4 माह तक 5 माह या 6 माह भी इस जैम को आप आराम से फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता। ये अगले दिन का क्लिप है। फ्लेवर इसका जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो आया था खरबूजे का फ्लेवर। कोई इसमें मैंने कलर ऐड नहीं किया है, ये इसका रियल कलर है। और आप फ्रूट्स के कलर पे ना जाएं, जो मेरे पास पुराने फ्रूट पड़े हुए थे फ्रोजन, जो ब्लैक शेड में लग रहे थे, या अंगूर था वो भी ब्लैक में लग रहा था, वो उसका रियल कलर था। वो फ्रूट जब ऐसे ग्राइंड करके रख दें पड़े रहे तो वो ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन उसमें गंदा कुछ भी नहीं था। तो ये भी उसका रियल कलर निकल के आया है, मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर मेरा दिल ही नहीं किया डालने का। और ये इस तरह कट्ठा पड़ा हुआ है तो वो ब्लैक लग रहा है, जब इसको शीशे के जार में डालें तो वो उसका प्यारा शेड निकल रहा था। तो ये नाश्ते में मेरे बच्चों को यही पसंद है, तो आज नाश्ता हमने यही किया है। मुझे नहीं पसंद, उनको पसंद है। तो ये नहीं जी, मजेदार जैम तैयार है। बस इसको एयर टाइट डिब्बे में डालें, डिब्बा आपको वो चूज करना है बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, और टाइट करके आप उसको फ्रिज में रख लें, ये 3-4 महीने भी खराब नहीं होता है। तो व्लॉग मेरा हो गया है एंड, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और क्या आपने कभी इस तरह जैम बनाया है ये भी मुझे बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे लिए हेल्पफुल होगा।